टू ऑल, कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून से, जहाँ पे कि हम जाने वाले हैं आज भंडारे में। आज है हनुमान जयंती एंड हमारे गांव में है एक हनुमान का मंदिर, जो कि मैंने अपने ब्लॉग्स में भी आपको कई बार दिखाया है। तो वहीं पर है आज विशाल भंडारे का आयोजन। कल वहाँ पर रैली निकाली गई थी एंड आज है वहाँ पर भंडारा। तो मैं यहाँ पर बच्चों को भी लेके आ गई हूँ स्कूल से, एंड बस निकलते हैं और इंजॉय करते हैं भंडारे के प्रसाद को। मैं दिखाती हूँ आपको वेदांश निदोषी। वेदांश गाइस, धूप कितनी ज़्यादा धूप है एंड वेदांश ने यहाँ पे अम्ब्रेला भी निकाल लिया है। तो बस चलते हैं एंड मिलते हैं आपको सीधे मंदिर में। ये है विदुषी। सो गाइस, यहाँ पे अक्षिता एंड अक्षु भी आए हैं। चलो हाय करो अक्षिता अक्षु। आज कहाँ जा रहे हैं हम सब? तो आपको मिलते हैं हम सीधे मंदिर में। तो इतनी झुलसा देने वाली धूप में फाइनली हम पहुँच चुके थे हनुमान मंदिर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है भंडारे में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये जो है भंडारा हर साल हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे होता है और उससे एक दिन पहले निकाली जाती है झांकी एंड बहुत ही विशाल रैली। और यहाँ पे देख सकते हैं मिला है प्रसाद में हमें, जो मतलब भंडारे में जो खाना बना था उसमें था कड़ी कड़ी चावल और सब्जी पूरी। सबसे पहले हम गए मंदिर में, सबसे पहले हमने दर्शन किए हनुमान जी के, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप हनुमान जी का स्पेशल प्रसाद दिया जा रहा है। तो पहले वेदांश ने प्रसाद दिया एंड ये लगते हैं हमारे नाना जी, ये वेदांश को चिढ़ा रहे थे कि भंडारी भंडारी करके। तो हमने हनुमान जी का स्पेशल प्रसाद भी ले लिया है, उनसे आशीर्वाद भी ले लिया है और भंडारे का स्वादिष्ट भोजन भी खा लिया है। और ये थी मेरी फ्रेंड जो कि मेरे साथ पढ़ती थी। गाइस, आज के दिन है दो दो फंक्शन। दिन में तो हम गए थे भंडारे में एंड रात को अभी हम जा रहे हैं पड़ोस में, सत्यनारायण की कथा है तो वहाँ पे हम हमारे बिल्कुल ख़ास पड़ोसी हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है कथा में। तो सब परिवार बोला है तो दादी तो घर में रहेगी, मैं बच्चों को लेके जाती हूँ। और आज घर पर आई है मेरी ननंद, जस्ट अभी आई है, मैं उसको लेके आई हूँ अभी। अभी मैंने उनके लिए चाय बनाई है, चाय पी रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। एंड ये देखिए हमारे गेस्ट बैठे हैं और दादी बैठी है नीचे, बाय। तो यहाँ पे वेदांश एंड विदुषी भी हो चुके हैं रेडी। तो हमें देखिए आपको सामने टेंट नज़र आ रहा है ना, इसी घर में हमें जाना है गाइस। ये देखिए तो बस हमारे घर के जस्ट बगल में हमारे ख़ास पड़ोसी हैं, ये देखिए। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे वहीं पे। तो सबसे पहले आते ही हम गए मंदिर के स्थान पे जहाँ पे हुई थी पूजा सत्यनारायण भगवान की एंड पंडित जी ने हमारा लगाया टीका एंड इसके बाद हमने ग्रहण किया प्रसाद। एंड ये है वो भैया जिनके घर में थी पूजा। और पड़ोसी होने के बावजूद भी हम सबसे लास्ट पहुँचे क्योंकि मुझे अपने ननंद को लेने जाना था, इस वजह से मुझे लेट हो गया। और उसके बाद हमने इंजॉय किया इस टेस्टी से खाने को जो कि था बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और यहाँ पे हम आ चुके हैं घर। तो गाइस कथा से हम लोग आ चुके हैं अब घर एंड रात भी बहुत हो चुकी है। तो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं आज यहीं पे। ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।